हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। सो फाइनली एप्पल ने iOS 18 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट कर दिया है रिलीज़, और मैंने इस अपडेट को आईफोन 11 पे इंस्टॉल कर लिया है। क्या कुछ नया आपको आईफोन 11 पे देखने को मिलने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, इसके पहले जो मैं अपडेट यूज़ कर रहा था वो था iOS 18 का डेवलपर बीटा 8 अपडेट, और उसके बाद मैंने इसे इंस्टॉल कराया स्टेबल अपडेट को, जिसका साइज 6.16 TB आपको आईफोन 11 पे रिसीव होने वाला है। सो अगर आप सभी भी आईफोन 11 को यूज़ कर रहे हो तो यही सेम साइज़ आपको रिसीव होगा आपके डिवाइस के ऊपर। सो सबसे पहले गाइज, यहाँ पर एप्पल ने काफ़ी कुछ मेंशन करा है कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, काफ़ी होम स्क्रीन से रिलेटेड, लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड, ऑल न्यू डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले गाइस सेटिंग्स में चलते हैं। तो सेटिंग्स का इंटरफेस आपको चेंज देखने को मिलेगा। बैटरी का सेक्शन अब आपको मोबाइल सर्विस के नीचे ही देखने को मिल जाता है। पुराने वाले अपडेट्स में बैटरी का सेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलता था सेटिंग्स के जनरल के नीचे, तो अब एप्पल ने इसका जो इंटरफेस है वो टोटली चेंज कर दिया है। तो ऐप्स का ऑप्शन अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद हिडन फोल्डर भी यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है, जो कि यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड करके होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो करंटली मैंने कोई भी एप्लीकेशन हाइड नहीं कर रखी है, तो ये सेटिंग्स का नया इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। जैसे ही किसी भी सेटिंग को ऑन करोगे तो उसका आइकॉन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे। आईफोन की स्टोरेज भी आप देख सकते हो, इसमें आपको कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो 128 GB वेरिएंट करंटली मैं आईफोन 11 का यूज़ कर रहा हूँ। सिस्टम डेटा 7.24 GB है, iOS डेटा 11.35 GB शो कर रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर बैटरी हेल्थ भी चेकआउट कर लेते हैं, बैटरी हेल्थ कितनी ड्रॉप हुई है। सो गाइज़ बैटरी हेल्थ में कोई भी मेरे को ड्रॉप देखने को नहीं मिला आईफोन 11 के ऊपर। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है आईफोन 11 यूज़र्स के लिए। अगर आप सभी को भी अपडेट करना है आईफोन 11 को, तो सबसे पहले अपने डिवाइस को फुली चार्ज कर लेना। चार्जिंग पे टाइम पे अपडेट मत करना अपनी डिवाइस को, जिसके साथ आपका जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होगा अगर आप चार्जिंग के टाइम पे अपडेट करोगे। इसके साथ बैटरी हेल्थ भी कम होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, लॉक स्क्रीन पे चलते हैं तो यहाँ पर आपको नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे जाऊँगा, एडिटेबल ये कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। तो प्लस के बटन पर टैप करो, यहाँ से आप किसी भी कंट्रोल को ऐड कर सकते हो। अनलिमिटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं कनेक्टिविटी से रिलेटेड, और साथ में ये शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो सिंपली अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लो और आप गुड टू गो अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हो डायरेक्टली अपने आईफोन के लॉक स्क्रीन से। यहाँ पर भी आप सेटअप कर सकते हो किसी भी आइकॉन को, जैसे अगर आपको मोबाइल डेटा को यहाँ से ऑन करना है तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करनी है तो वो भी आप यहाँ से ही ऑन कर सकते हो। तो आपको डन करना है और आप गुड टू गो। आपके सामने ये जो आइकॉन्स हैं कस्टमाइजेबल हैं, आप इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये एप्लीकेशन डायरेक्टली यहाँ से ही ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से लॉक स्क्रीन में आपको ये न्यू कंट्रोल्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कंट्रोल सेंटर पे चलते हैं तो कंट्रोल सेंटर में भी आपको वही सेम लॉक स्क्रीन के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। कंट्रोल सेंटर अब आपका फुली तरीके से कस्टमाइजेबल है, जैसे कि यहाँ पर आपको शट डाउन मेन्यू बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका डिवाइस शट डाउन का ऑप्शन शो करेगा स्लाइड टू पावर ऑफ, तो आपको पावर ऑफ नहीं करना है। तो सिंपली मैं अनलॉक करूँगा अपने डिवाइस को। तो यहाँ पर आप किसी भी कंट्रोल को रीअरेंज कर सकते हो, उसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, बस आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से अपने विजिट को या कंट्रोल को कुछ इस तरीके से आप स्मॉल भी कर सकते हो। किसी भी आइकॉन को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो फ्रीली। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आइकॉन्स को कंट्रोल्स को कहाँ पर रखना चाहते हो। कुछ इस तरीके से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो अपने खुद के तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कनेक्टिविटी के कंट्रोल्स बाहर भी मैंने ऐड कर रखे हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ से इसे ऑफ़ करूँगा तो वहाँ पर भी ये ब्लूटूथ जो है वो डिसकनेक्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ पर स्वाइप करोगे आप यहाँ से अनलिमिटेड कंट्रोल्स ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐड कंट्रोल के ऊपर टैप करके। तो ये कैप्चर से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड ये कंट्रोल्स हैं, जैसे कि QR कोड को स्कैन कर सकते हो, मैग्नीफायर को यूज़ कर सकते हो, और साथ में ब्राइटनेस और टेक्स्ट साइज का भी ऑप्शन है, और अनलिमिटेड कंट्रोल्स आपको
कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाते हैं। अब आपको एक्सेसिबिलिटी के सारे कंट्रोल्स यहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे। आपको सेटिंग्स को ओपन करके एक्सेसिबिलिटी में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये है आपका रीडिज़ाइन कंट्रोल सेंटर iOS 18 के नए अपडेट में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। ये जो फीचर है ना व्हीकल मोशन क्यूज़ का, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप कहीं गाड़ी से, बस से या ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आपको ये फ़ीचर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जैसे इसे ऑन करोगे आपके सामने ये ऑप्शन शो कर देगा कि ऑन हो गया फीचर, और ये डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये डॉट्स मूव करते हैं जब आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करती है, ब्रेक लगाती है या लेफ़्ट राइट टर्न करती है। तो इस तरीके से आप इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हो। तो करंटली मैं इस फीचर को ऑफ़ कर रहा हूँ, तो ऑफ़ करोगे फिर भी आपको ये एक नोटिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। तो यहाँ पर आप अपनी होम स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बस आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर जाना है एडिट पे, और ये तीन ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप विजिट्स को ऐड कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, एडिट पेज कर सकते हो। तो यहाँ पर एडिट करते हैं पेजेस को, तो कुछ ऐसा लेआउट आपको देखने को मिल जाता है। तो करंट पे हम करेंगे कस्टमाइज़, और साथ में ये कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। अब iOS 18 का जो स्टेबल अपडेट है, इतना ज़्यादा ये एडवांस हो चुका है कि ऑटोमेटिकली जिस कलर का आपने वॉलपेपर लगाया होगा वही कलर आपको टिंट में शो कर देगा। इसके साथ आपको खुद से कलर मैचिंग नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस आपके लिए कलर मैचिंग कर देगा आपके वॉलपेपर के साथ। आपको यहाँ पर ब्राइटनेस का भी टॉगल देखने को मिल रहा होगा, तो जैसे मैं ब्राइटनेस के टॉगल को ऑफ करूँगा तो यहाँ पर आप देखना कि ये जो वॉलपेपर की ब्राइटनेस है अब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसकी ब्राइटनेस को आप हाफ भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और आप देख सकते हो पूरी की पूरी वही सेम कलर स्कीम के साथ वॉलपेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशंस के आइकॉन्स तक यहाँ पर इसने चेंज कर दिए हैं। सभी के सभी आइकॉन्स के जो कलर्स हैं अब आपको वॉलपेपर के साथ ही मैच देखने को मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो होम स्क्रीन को। फिर से आपको लॉन्ग प्रेस करना है, एडिट पे जाना है, कस्टमाइज़ के ऊपर टैप करो, और जब आप डार्क को सेलेक्ट करोगे ना तो डार्क में कुछ ऐसा आपको लेआउट थीम आपको शो होगा आपके डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ इसकी ब्राइटनेस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डार्क थीम के साथ ये वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। अगर डार्क वॉलपेपर यूज़ करते हो तो उसमें आप डार्क थीम को जब आप यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक भी लगा सकते हो। तो करंटली मैंने इसे लॉक ऑलरेडी लगा रखा है। जैसे इसे ओपन करूँगा ये आपके फेस आईडी को यूज़ करेगा। ऐसे ही आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हो। सिंपली लॉन्ग प्रेस करो और रिक्वायर फेस आईडी के ऊपर टैप करके आपको फेस आईडी को कर देना है ऑन, और आपकी ये एप्लीकेशन यहाँ से हाइड हो चुकी है। तो आपने देखा होगा विजेट भी हाइड हो चुका है कम्प्लीटली। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हो अपनी फेस आईडी को यूज़ करके। ये एप्लीकेशन जो है कुछ ऐसी हैं जो कि हाइड भी हो जाती हैं। सिक्वायर फेस आईडी के ऊपर टैप करो, हाइड के ऊपर जब आप टैप करोगे तो ये एप्लीकेशन फिर से फेस आईडी को यूज़ करेगी, और हाइड ऐप के ऊपर टैप करके आपकी ये एप्लीकेशन चली गई है आपकी ऐप लाइब्रेरी में। तो यहाँ से ओपन करोगे तो फिर से फेस आईडी यूज़ होगी, फिर आपको ये एप्लीकेशन शो होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हो, हाइड कर सकते हो, और साथ में यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड्स की एप्लीकेशन देखने को मिल रही होगी। तो ये पासवर्ड्स की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जितने भी पासवर्ड्स आप यूज़ करें अपने डिवाइस पे उनको आप सेव कर सकते हो इसी एक एप्लीकेशन पे। ऑटोमेटिकली आपका ये जो एप्लीकेशन है ये iOS 18 की अपडेट में इंस्टॉल हो जाता है, और आपके सारे पासवर्ड्स को इसी एक एप्लीकेशन में ये सेव कर देता है। तो चलिए ओपन करते हैं अपनी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन को। फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन का इंटरफेस टोटली चेंज है iOS 18 की अपडेट में। तो यहाँ पर आपके सामने आपको टॉप के ऊपर और बॉटम के आपको यहाँ पर शेडो देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर आप इसे क्रॉस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे क्रॉस करोगे अब आपको कुछ ऐसा ऑप्शन शो करेगा, ये एक तरीके से हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फोल्डर्स भी कुछ इस तरीके से न्यूली डिज़ाइन देखने को मिलने वाले हैं। जैसे आप रिसेंटली डिलीटेड के ऊपर टैप करते हो अब ये ऑटोमेटिकली आपकी फेस आईडी को यूज़ नहीं करेगा। जैसे आप व्यू के ऊपर टैप करोगे फिर ये आपकी फेस आईडी को यूज़ करेगा। तो आप इसे यहाँ से स्वाइप करके अपने फोल्डर्स को भी शिफ्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जो भी फोल्डर्स आप यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एल्बम्स का भी प्रीव्यू
शो आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी अपलोड आप करते हो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ के ऊपर टैप करो और आप इन्हें रीअरेंज कर सकते हो, मतलब कि आप किसी भी एल्बम को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो सिंपली मैं इसे क्रॉस करूँगा और आप डायरेक्टली यहाँ से किसी भी फ़ोटो को सर्च कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दी गई है आपकी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन, इसका इंटरफेस भी चेंज है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके की ऑप्शन जो होगी, जब आप एडिट मोड में जाओगे तो बहुत से आईफोन में क्लीन अप का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लीन अप का ऑप्शन करंटली आईफोन 11 सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद कैमरा की एप्लीकेशन में कुछ नए चेंजेस आए हैं, जैसे कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करोगे पॉज बटन अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप अपनी वीडियो को यहाँ से पॉज कर सकते हो और यहाँ से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। तो नंबरिंग आपके सामने है वीडियो की टाइपिंग, और इस तरीके से आप अपनी वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो। तो ये आपको न्यू फीचर्स आईफोन 11 पे रिसीव होने वाले हैं iOS 18 के नए स्टेबल अपडेट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।